Happy Bezati Day to you. Happy Bezati Day to you. Happy Bezati Day, dear Afan. क्या देना तुझे, ऐसे ही बचपन में चिढ़ाते थे हम एक दूसरे को, और अब देख, nothing's changed. सॉरी यार छोटे, ऐसा करना नहीं चाहता था, पर तेरी वजह से ही करना पड़ा. तू जानता है ना, बचपन से ही चैलेंजेस पसंद नहीं है मुझे, फिर क्यों किया? और हाँ, वो उस दिन क्या डायलॉग बोला था तूने? डरे उस दिन से जिस दिन आप पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो जाएंगे. और हुआ क्या? वो लड़की, वो पूरी दुनिया है ना तेरी, और उसी के सामने रुसवा हो गया तू. वैसे एक बात बता, क्या फीलिंग कैसी है? मतलब मेरे जैसा बड़ा भाई मिलना कैसा लगता है तुझे? बुरा लगता है? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा. करना भी नहीं. वो क्या है ना अफान, मैंने अपनी सल्तनत दुश्मनों के कांधों पे ही बनाई है. And you? You just joined that gang. काश उस दिन पापा की जगह आप इस दुनिया से चले गए होते. कम अज कम मेरी माँ को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती. सॉरी छोटे. मैं तो सीधे वार करता, जो हूं सामने. पर उसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है उसने.
मतलब ये तुम्हारे पूरे रिश्ते की शादी की बुनियाद ही झूठ पे टिकी है। How sad. और उसको भी अजीब गुमान है, वो समझता है कि अगर तुम्हें सारी सच्चाई पता भी चल जाए तो तुम उसे कभी छोड़ के नहीं जाओ। अरे जिस सारी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, बच्चे उस शख्स की बातों में आकर अपना बसा बसाया घर मत बर्बाद करो, वो तो चाहता यही है। सोचो मैं माँ हूँ उसकी और उसकी तरफदारी नहीं करती। अब वो तन्हा माशाल्लाह से आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, 4+ वीक। देखो ना बैठे बैठाए क्या हो गया, सोचा था क्या कि ऐसा होगा? देखने में कितने भले शरीफ लोग लगते हैं ना, मतलब किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा कि शैतान इनमें से ही होगा। सिर्फ एक बात पूछूं तुमसे, परेशान हूं ना तुम्हारे लिए, फिक्र हो रही है इसलिए पूछ रही हूं। ये बात इतनी अरसे छुपी कैसे? पता नहीं। अच्छा नहीं, पूछने का मकसद ये था तुम्हें कैसे पता चला? तुम सिकंदर से रابطے में थी? भाभी प्लीज मुझे कुछ देर आराम करना। हाँ हाँ आराम तो करना होगा ना, कर लेना, मगर मुझे बता तो दो हुआ क्या था, ये भी तो जरूरी है ना, मतलब पता तो चले। राफिया बाहर आना। जी आई। अच्छा तुम आराम करो। तुम्हें एक दफा की गहरी बात समझ में नहीं आती क्या? आप मुझे बार बार टोकने के लिए आ जाते हैं। आप ही कहते हैं ना कि आपकी बहन बहुत मजबूत है, मैं उसकी तरह बनूं। तो अगर मैंने 4 सवाल कर लिए तो कौन सी कयामत ढह गई उस पे? उस पर पहले ही कयामत ढह चुकी है राफिया। तुम्हें क्योंकि सीधी तरह बात समझ में नहीं आती है इसलिए मजबूरी में बता रहा हूं कि वो मां बनने वाली है, और तुम उसे बेहतर तौर पर जानती हो कि ये वक्त उसे परेशान करने का नहीं है। वो पहले ही जितनी डिस्टर्ब काफी है, अगर तुम उसकी हालत बेहतर नहीं कर सकती हो तो खुदा के वास्ते बिगाड़ो भी मत। लेकिन वकार अफान उसे इस हालत में, वो कुछ नहीं जानता, और प्लीज अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। नहीं नहीं करूंगी। निकाह से पहले तो बहुत हवाइयां उड़ी हुई थी, अभी बहुत मजाक सोच रहा है। तब तो मेरी नहीं थी ना, अब तो मेरी हो गई हो, इसीलिए तो सुकून में हूं। थैंक यू अरीज। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। फान इसके क्या जरूरत थी,
जरूरत थी, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए मुझे मेरा आप वापस करके कहते हो कुछ नहीं दिया। तुमसे आज कुछ मांग सकता? बोलो क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दे दो। अफ़ान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो अफ़ान, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी अभी। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मगर जो मैं कहने आई हूं मैं कहकर जाऊंगी। देखो अफ़ान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। खुद को इल्जाम देना बहुत आसान है, मगर तुमने कभी सोचा है कि उस शख्स से रابطे में क्यों थी जो सबको तुम्हारा दोस्त बताकर धोखा दे रहा था? तुमने उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? अगर कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती, उसको पाने के लिए जोर लगाने की बजाय समझौता कर लेना ही ठीक होता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कुछ चीजें वाकई किस्मत में नहीं होती, इसलिए उनको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वरना खाली हाथ रह जाओगी। How will you please leave me alone? अब आप ठीक तो है ना? ये छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। तुम परेशान मत, कुछ नहीं होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये ज़ियाद हैं, ये कल रात को आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे सारी रात तुम इस हॉस्पिटल में रहे हो, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप, तबीयत कैसी है अब आपकी? आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर है? हाँ है ना, मेरी बेटी। आपको डॉक्टर साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। साहिबा तुम यहीं रुको,
ज़ियाद भी यहाँ है और सामान पैक कर लो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? ज़ियाद अब प्लीज आप घर चले जाएं, आप ऐसे यहाँ पे रुके हुए मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने एक ही जगह तो जाना है, आधा घंटा मैं और वेट कर सकता हूँ, जैसे ही डॉक्टर्स आपकी अम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे हम साथ में चले जाएंगे। लेकिन ज़ियाद, मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, साथ में चलेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपने बुलाया था? जी, बैठिए प्लीज। आप मुझसे खुल के बात कर सकती हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये फोर्थ स्टेज पर है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर वालों से मशवरा कर यहाँ आए ताकि हम तय कर सकें कि आगे का लाहे अमल क्या है। कितना टाइम है मेरे पास? हमारे हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप नाउमीद ना हो, कोई मौजजा भी हो सकता है। बेध्यानी की चोट पे इंसान इतना नहीं रोता, कम से कम इतना तो मैं जानता। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? सारा दिन आप हमारे घर में होती हैं, मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखती हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकता मैं आपके लिए। और इसके अलावा भी शायद कोई रिश्ता होगा मेरा आपसे। इंसानियत कैसे? इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा, कोई और वास्ता दे दे, इंसानियत का नहीं। फासला तलब और हासिल के बीच का फासला है। जिस दिन पा लिया ना, मुझे नफरत करोगे मुझसे। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जा किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत।
ये कहा कि अकलमंदी है, कम से कम अपनी तबीयत का ही ख्याल कर लो। भाई ऑफिस की तरफ से मुझे अकोमोडेशन मिल जाएगी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब मैं किसी के लिए मसला नहीं खड़ा करना चाहती, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। बस जरा सेटल हो जाऊं, फिर अम्मी की तरफ भी चक्कर लगाऊंगी, साहिबा भी परेशान होगी। नहीं अरिज, तुम रुक जाओ ना, तुम्हारे भाई का घर है, मतलब तुम्हारा ही घर है, मत जाओ। शुक्रिया भाभी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा जाना जरूरी है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं खुद से। कैसे तबीयत है अम्मी? कहाँ जा रही हो? मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, लेकिन मान ही नहीं रही है। कह रही है कि ऑफिस की तरफ से रहने का इंतजाम हो जाएगा। अपना घर होते हुए तुम किस घर का इंतजाम करने जा रही हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अरेज इससे पहले मैंने हमेशा सुतेली माँ बनकर फैसले किए हैं। आज अगर पहली बार माँ बनकर कुछ करने जा रही हूँ तो तुम मुझसे ये मौका क्यों छीन रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई, अपनी माँ के साथ नहीं जाओगी? आंटी मैं सोच रही थी कि आप लोग मुझे घर छोड़ देते, मैं आप लोगों के साथ जाते हुए अच्छी कहाँ लगूंगी। क्यों भाई, क्या घर वाले एक साथ बाहर नहीं जा सकते? हम घर वाले हैं आपके। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही उन्हें खत्म कर देता है, उन्हें खास तवज्जो की जरूरत होती है।
रिश्ता नहीं भी है तो कम से कम इंसानियत का ही भरम रख लेती, या इस बात का भरम रख लेती जब मैंने आपको अम्मी कहा और समझा। इतनी नफरत, इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे कि मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया। अगर मैं वाकई आपकी अपनी बेटी होती तो यही सब कुछ करती मेरे साथ। क्या हुआ पान, ऐसे क्यों खड़े हो? वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है, उससे बात नहीं कर रही। मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, प्लीज उसको कहीं से ले। मम्मी मुझसे नहीं रहा, कैसी हैं सीमा जी? अरे इतनी बुझी बुझी क्यों हैं आप? क्यों इग्नोर करके जा रही थी? वैसे मानना पड़ेगा, आप लोगों के खानदान में जो मामलात को खींचने की आदत है बहुत ही बुरी है। तो आफान को भी समझाया था मैंने, कहा था मेरे से मुकाबले के चक्कर में ना पड़े। क्या हुआ?
मुंह की खानी पड़ी ना उसे। और आपसे भी कहा था अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करा के मामला रफा दफा कर दे। पर आप एक तो मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से भाग गई। नहीं सिकंदर, मैं भाग नहीं सकती। तुम मेरा अमालनामा बनकर मेरे सामने जो खड़े हो, अपने किरदार की तस्वीर दिखती है मुझे तुम्हें। भला ऐसे में कोई कैसे भाग सकता है। देखो, तुमने और मैंने जितनी ज्यादतियां करनी थी कर ली। कम से कम मुझे तो मेरा सबक मिल चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। कमाल, मतलब हाथ में कुछ बचा नहीं तो अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे। सौतेली बेटी से बहुत मोहब्बत जाग रही है। क्या बात है, मुझ जैसी बदनसीब के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जिसने हमेशा अपने झूठ को सच साबित किया, सच मनवाया। आज पहली बार अगर सच बोला है तो दुनिया उसे झूठ मनवा कर ही दम लेगी। एक बात कान खोलकर सुन लेना, मेरे घर और अरीज से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं डर गया सीमा जी। मैं चाहता था कि हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगो, तुम्हारे पांव पकड़ो, ताकि ये माफी तुम्हारी माँ तक पहुंच सके। क्या हो रहा है आप अब्बू? अगर नहीं माफी भी नसीब वालों को मिलती। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अब्बू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हो रहा है आपको? साहिबा का ख्याल रखना, सिर्फ ते बहन नहीं बेटी समझना। क्या हो रहा है? अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी दवाइयाँ, वो पर्ची रखी थी तो मैं ले आई। आप क्यों लेकर आ गई? मैं ले आती। कोई बात नहीं रीच, देखो मेरी ऐसी हैसियत तो है नहीं कि मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में कोई राय दे सकूं, लेकिन जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अफान एक अच्छा इंसान है, वो जैसा भी है सिकंदर का भाई जरूर हो सकता है, लेकिन सिकंदर जैसा नहीं हो सकता। गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है, मैं पहचान नहीं सके। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना उसे। बस उसका कसूर इतना है कि सिकंदर से उसका खून का रिश्ता है। और ये बात तुम्हें वो औरत नहीं कह रही जिसे जमाने की पहचान है, बल्कि ये बात
तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी औरत कह रही है, जिसने अपने अंदर का शैतान भी देखा है। अरीज, ये तुम्हारी जिंदगी, अब से पहले मुझ समेत सबने इसे तुमसे छीनने की कोशिश की है, ये फैसला भी तुम्हारा है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कदम रखो कि आने वाली जिंदगी में तुम्हें पछताना पड़े। सिकंदर को जीतने मत देना। अच्छा, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं और साहिबा कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं अकेले में आई हूँ अपने। तुम में और साहिबा में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, और इस हालत में तो तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने दूंगी। आराम करो, मैं अभी आती हूँ। अब ना जाने किन हालात में ये आई होगी लड़की, क्या कुछ करके आई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई देखना ही नहीं चाहता, बस सारा इल्जाम मर्द पे ही डाल दो। मैं तो बात करूंगी सच्ची, अब लगे किसी को अच्छी या बुरी।